रैसोनो कतई गधे ही ज्ञान निकला रहे तू, कहीं ले जान लायक ना है तू। की जरूरत थी बबीता के दोहरे उल्टी करने की कि भाई आजकल मोनू तो फुल फन कर रहा है कुकू ऐप पर। अबे बावड़ी तरेड़, अभी पिछले हफ्ते ही उसने मेरा कोर नबका प्रीमियम सब्सक्रिप्शन पकड़ लिया और अब तैने ये उल्टी कर दी उसके सामने। साले उसको लगने लगा है कि मैं फुल फन करने का ना, फुल सेटिस्फाई होने का नशा करने लगा हूँ। कल गूगल कर रही थी फुल फन नशा मुक्ति केंद्र, साले बावड़ी ज्ञान आज के बाद आ मत जाइयो कहीं पे भी। हाय गाइस, मैं हूं शांतनु और ये है ऑनेस्टली सेइंग। आपको नहीं पता था ये वीडियो आने वाली है, मुझे नहीं पता था मैं ये वीडियो बनाने वाला हूँ, और मेरी बीवी को तो अभी तक ये लग रहा है कि मैं साईफाई मूवीज पर नेक्स्ट वीडियो बनाने जा रहा हूँ। वैसे गाइस कसम खा जाओ आंटी बंटी छंडी जो झूठ बोले, तुम्हें भी पता है कि इंडियन सॉफ्ट पॉर्न हॉलीवुड के साईफाई से कोई कम नहीं है। इसमें होते हैं इंट्रिकेट प्लॉट्स, और उसका भी ब्याह नहीं हो पा रहा। काहे काहे के वो गांव में बहुत प्रसिद्ध है ना। कॉम्प्लेक्स कैमरा वर्क और लाखों करोड़ों रुपया खर्चा जाता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी R&D ऑफ द मूवी पर। क्या हुआ वो सर खड़ा हो गया? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं, अगर हम हॉलीवुड के साईफाई मुठराज को बुलाएं यानी क्रिस्टोफर नोलान द मुठराज को बुलाएं और उनको बिठाएं और बोले मुठराज नोलान आप क्या देखना पसंद करेंगे, अपनी टेनेट या फिर कुक्कू पर भैया की बीवी? अब खुद सोच लो, समझदार को इशारा काफी होता, क्या देखेंगे मुठराज जी। और जैसे थ्री इडियट्स में साइलेंसर ने कहा था होता सभी के पास है देता कोई नहीं, वैसे ही यूट्यूब पर तुमने सर्च किया है कि बेस्ट की वेब सीरीज की लिस्ट बता दो, गंदी गंदी पिक्चरों की लिस्ट बता दो हमारे को। एवरीबॉडी वांट्स टू वॉच दिस लिस्ट बट नोबडी पुट्स इट इन माय कमेंट सेक्शन कि भाई ये वाली लिस्ट भी बना दो ना, इसमें शर्म की बात क्या है। 20 साल पहले हमारे पिताजी लोग मैगजीन और सीडी इकट्ठी करते थे, हम लोग वेब सीरीज इकट्ठी करते हैं, सो दिस नो शेम। सो बीइंग अ वेरी ग्रेशियस हम्बल एंड रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ मुठलैंड, मैं आपके लिए लेके आया हूं द लिस्ट ऑफ टॉप सॉफ्ट पॉर्न इंडियन वेब सीरीज जिन्होंने 2020 में हमारे दिलों को छू लिया, हमारे मन को मोह लिया एंड ओवरऑल अपनी ऑडेसिटी, बदतमीजी और बेशर्मी से सबके टट्टे कर दिए शॉट। सो गाइस विदाउट फर्दर अडू शुरू करते हैं ये संभोग की लालसा से भरी हिंदी में अश्लील अवार्ड्स की रात, और इसके पहले नॉमिनी है कुक्कू की प्रस्तुति भैया की बीवी। सबकी जरूरत अलग अलग होती है, किसी की कम किसी की ज्यादा। तो भैया की बीवी के बारे में जितनी तारीफ करी जाए उतनी कम है, बेशर्मी वायाती और बदतमीजी से भरी, और ये इतनी बुरी वेब सीरीज है, इतनी बुरी वेब सीरीज है कि इसमें द मोस्ट क्रिएटिव पार्ट इज इन्होंने इसके पोस्टर में भैया की बीवी में W को उल्टा करके बना दिए। सो गाइस फॉर ऑब्वियस रीजंस इस सीरीज में स्टोरी का लंडा तो पता नहीं है, पर जितनी भी ये टाइम ट्रैवल की इंट्रिकेट टाइम ट्रैवल की जो स्टोरी है इस वेब सीरीज की वो मुझे समझ आई, मैं आपको बता देता हूं। एक लड़की की शादी होती है, उसके बाद शुरू होते हैं बैक टू बैक ऊपर नीचे आगे पीछे संभोग चौदम पट्टी के सीन जो इतने बुरे हैं कि अगर आप उन्हें चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी को दिखा दे तो वो भी बोलते यार बस हमने ही बनाया कोविड, ठीक है बंद करो। शो की कहानी में तरह-तरह तरीके के पहलू हैं, कभी ये कहानी बन जाती है मास्टर शेफ। क्या खा रहे थे? केला खा रहे थे भाई। हमें भी खिलाइए आपका केला। और फिर कभी ये कहानी आपको करेगी लाइफ कोच की तरह गाइड, जो बताती है कि अपने आप को सेटिस्फाइड कैसे रखना है। मैं तो कहता हूँ मुझे एक बार मौका दो, फुल सेटिस्फाई कर दूंगा तुम्हें। और एक मोड़ पर आके ये कहानी बन जाती है कि इंटेंस मिस्ट्री थ्रिलर। मुबारक हो, आप लोग नाना नानी बनने वाले हैं, अब वो भी नहीं पता किसका बच्चा है। ऑल इन ऑल इस वेब सीरीज के लंगोट में धमाके का स्कोर है 6 out of 10। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और एक नजर डालते हैं इस संभोग के कीचड़ में खिले हुए अगले कमल को, जिसका नाम है द लेट नाइट प्रोजेक्ट, और ये भी प्रस्तुति है कुक्कू की। ऐसा लगता है कुक्कू ने ठेका ले रखा है इतने गंदे गंदे वेब सीरीज बनाने का, इतना सड़ा हुआ सॉफ्ट पॉर्न दिखाने का कि लोगों को कब्जी होने लग जाए, उनकी नाभि पे नाभि चढ़ जाए। और वो करेगी तुम्हारे साथ लेट नाइट प्रोजेक्ट। तो चुतियापे की चकाचौंध से भरी हुई इस कहानी की शुरुआत होती है कुछ ऐसे। रोशनी आज से तुम्हारे साथ तुम्हारे नीचे काम करेगी, और वो करेगी तुम्हारे साथ लेट नाइट प्रोजेक्ट। फिर कहानी आगे प्रोग्रेस करती है और दो मेल कलीग्स बात कर रहे होते हैं कि काम पे अपडेट कैसा है, कैसा चल रहा है काम। साले कमीने तू, हॉट लड़की के साथ बैठा हुआ है, मुझे क्यों नहीं मिलाता उससे? अबे यार काम कर रहा हूँ। सच में काम कर रहा है या फिर काम तमाम कर रहा है? फिर कहानी में आता है एक ऐसा दिल दहला देने वाला मोड़ जहाँ हीरो को पता लगता है कि वो अपने लेट नाइट प्रोजेक्ट में जिस औरत के साथ नो इफ नो बट ओनली भटाभट में लगा हुआ था वो निकलती है उसके बॉस की वाइफ। मैंने तुम्हें बताया नहीं कि रोशनी इज माय वाइफ। बस गाइस यहीं से यू विल गेट हुक्ड टू दिस एमी नॉमिनेटेड वेब सीरीज, और इसका लंगोट में धमाके का स्कोर है आप गेस नहीं कर पाएंगे 7.5 on 10। तो भैया उल्लू के डायरेक्टर्स और राइटर्स की ऑडेसिटी देखो, ऑडेसिटी भी क्या चुतियापा देखो, देन दे वेंट अहेड और उन्होंने एक पूरी की पूरी सेमी सॉफ्ट पॉर्न सीरीज बना दी लूजली बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ विजय माल्या। तुमसे पहले जेनी जाग गई, अ मैन हैज टू डू व्हाट ही हैज टू डू। इसमें जो मेल लीड है उसकी डील डॉल बिल्कुल विजय माल्या से मिलती है।
साथ में इन डफरों की कीर्तन मंडली ने जितनी भी एयर होस्टेस बनाई है शो के अंदर उन सबको पहना दिए कपड़े रेड और व्हाइट, जो ऑफिशियल ड्रेस कोड था किंगफिशर एयरलाइंस वुडपेकर एयरलाइंस। और इन डफरों की टोली ने चुतियापे की सारी मर्यादाएं तो वहां पार कर ली जहां पर इन्होंने सोचा कि माल्या की जो एयरलाइंस थी भैया उसका नाम था किंगफिशर, और किंगफिशर एक बर्ड होती है, तो तुम जाओ और ढूंढ के लाओ एक ऐसी बर्ड जिसका नाम राइम करे किंगफिशर से। तो फिर ये लोग came up with the name Woodpecker, just like anybody would not know that this is loosely based on the life of Mr. Mallya. और अगर आपको लगता है ये वेब सीरीज खाली संभोग की रिले रेस है तो नहीं, they have tried to look intellectual by using the words like hacking. How good are you at hacking accounts? One of the best. And by using a pen drive. हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। तो भैया इस वेब सीरीज का लंगोट में धमाके का स्कोर है 8.5, और वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि इसमें थोड़े बहुत टेस्टफुली डन सीन है। तो आगे बढ़ते हैं और इस सड़े हुए आमों की टोकरी में से अपना दूसरा पिक निकालते हैं जो स्लाइटली बेटर है बाकी के सारे सड़े हुए आमों से, और इसका नाम है मस्तराम, जो प्रस्तुति थी एमएक्स प्लेयर की। देविका को ठोककर माफ कीजिएगा, देविका की व्यथा को लगी ठोकर और हमारी जवानी का हुआ जन्म। तो अगर आपको असली मस्तराम की कहानी और कॉमिक्स के बारे में जानना है जो कि 80s में रिलीज हुई थी, तो अपने पापा को दो पैक पिलाना और जनरली पूछना डैड वो मस्तराम के बारे में क्या होता है, पता है कुछ क्या होता है मस्तराम वगैरह। और अगर तुम्हारे डैडी मूड में होंगे तो तुम्हें बता देंगे जनरली, और अगर नहीं होंगे तो तुम्हारी गांड का फ्लैट अर्थ थ्योरी बन जाए। तो कहानी में मस्तराम जी एक बड़े ही सीधे और सरल से लेखक होते हैं जो कभी किसी भाभी को हेल्प करते हैं उनके घर का लीकिंग टैप यानी नल ठीक करने में। किचन का टैप लीक हो रहा है, हम ठीक कर देते हैं। कभी किसी भाभी का हाथ बटाते हैं उनका आटा गूंदने में। मैं देखे आटे जैसा मुलायम पता, उस पर दो बुलंद कुंभा। कभी कभार तो वो काफी चिंतित हो जाते हैं कि उनकी जो होम ट्यूशन वाली आंटी है उनको फीवर ज्यादा तो नहीं हो रहा, सबका बॉडी टेम्परेचर सेम होता। व्हाई डोंट यू एक्चुअली टच एंड फील इट, कैसे इस मौके का लाभ उठे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ही इज ऑलवेज अबाउट हिज ट्रीट्स। तो वो कुछ भाभियों को इनवाइट करते हैं अपने घर पर उनके हाथ की बनी हुई दाल बाटी चूरमा खाने का, विच इज सो इनोसेंट। कभी हमें भी बुलाइए अपने अच्छे घर, हम आपको दाल भात खिलाएंगे। तो सिंस मस्तराम 80s की ओरिजिनल स्टोरीज पे आधारित है और ये नमक की, तो सिंस मस्तराम 80s की ओरिजिनल स्टोरीज, तो सिंस मस्तराम 80s की ट्रू स्टोरीज पे आधारित है और साथ ही साथ इसकी डायरेक्शन थोड़ी टेस्टफुली करी गई है, इसमें जो संभोग सीन है वो थोड़े टेस्टफुली करे गए हैं, और जो मगरमच्छ का यौवन उल्लू और कुकू परोसते हैं अपनी सीरीज में वैसा ऐसा कुछ डिसटेस्टफुल संभोग सीन्स नहीं है, इसको मैं दूंगा लंगोट में धमाके का स्कोर 9.5। तो गाइस, इस चकाचौंध से भरी रात की वो घड़ी आ ही गई है जब हमारे को घोषित करना है इस लिस्ट का प्रथम यानी नंबर वन स्पॉट होल्डर। और आपको पता ही है जिस हिसाब से मैं गदगद हो रहा हूं, मेरा मुंह लाल हो गया है, और आपको पता ही है उस शो का क्या नाम है। यू नो इट, यू कैन फील इट, यू कैन सी इट कमिंग, एंड इसका नाम है गंदी बात। 15 मिनट, ये 15 मिनट तुम्हारे जिंदगी के सबसे खास 15 मिनट। तो गंदी बात की क्रिएटिविटी की जितनी तारीफ करी जाए उतनी कम है। इस शो ने ना ही पूरा का पूरा वेब सीरीज का सिनेरियो ही पलट के रख दिया हमारे देश में, बल्कि तुम्हारा मूड भी पलट के रख दिया जब हम लॉकडाउन में थे, इनिशियल लॉकडाउन में इस साल के शुरुआत। तो गंदी बात का 5वां सीजन आपको सिखाता है लाइफ लेसन, जिसमें से पहला लाइफ लेसन है अबाउट बींग बॉडी पॉजिटिव एंड एनकरेजिंग अदर्स टू बी बॉडी पॉजिटिव एज वेल। बॉडी में जान है नहीं, आया बड़ा हीरो बनने। The dialogues also are very tastefully written. अब ना तुम चील का मूत मांग रही हो। और आंखें तो आपकी वहां पे नम हो जाएंगी दोस्तों, जहां पर आपको ये पता लगेगा कि they are having संभोग, not to just have संभोग, but to feel संभोग। मुझे ना बस सेक्स करना नहीं है, फील चाहिए, फील। तो ये तो आपको पता ही है कि गंदी बात प्रस्तुति है बहुत ही मंजे हुए संभोग फिल्म मेकर्स के चुंगल की, जिसका नाम है ऑल्ट बालाजी। और इस चुंगल की जो रानी है, महारानी है, जैसे क्वीन ऑफ एटलांटिस थी मीरा, ऐसी क्वीन ऑफ मुटलांटिस है एकता कपूर। सो गाइस, मुटलैंड के सारे मतदाताओं के मतों को मद्देनजर रखते हुए गंदी बात का लंगोट में धमाके का स्कोर है 11/10, जो बनाता है गंदी बात को अनडिस्प्यूटेड चैंपियन इस लिस्ट का। Oops. तो अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी हो, जाकर अपना मूड मत बनाना, इस कूड़े में मुंह मत देना, मेरी वीडियो शेयर करना, लाइक करना, कॉमेंट करना, और जाओ बस बाय।